मम्मी मम्मी कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ये अगर देखो एक्चुअली हम लोग डेली 2 घंटा कर नहीं पा रहे हैं ना बेटा, तुम अगर 2 आवर देगी तो 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, 1 वीक से भी कम लगेगा, मतलब मोस्टली कवर हो जाए, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दे नहीं रहे ना, टाइम नहीं दे रहे ना, इसलिए नहीं हो रहा है, बस इसलिए की जा रहा है आधा, एक समझ जाओ एक 1/4 का एक भाग कंप्लीट हो चुका है, समझ जाओ 3 भाग और बाकी है, वही 2 आवर अभी जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं, अभी एटलीस्ट 2 बार कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, आज तो 3 घंटा पढ़ने वाले थे लेकिन हो ही नहीं पाया। कोई ना, एक्चुअली रात में जानती हो ना थोड़ा वो हो जाता है, बेबी भी सो ही है और उसको अभी खाना वगैरह खिलाना था, बट मैंने सोचा पहले पढ़ा लो ताकि वो जब उठेगी तब खिलाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। नया हेडिंग आप डालो, ये प्रोकैरियोट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, यस मैम। हाँ तो प्रोकैरियोट, हाँ और सुनाओ, फिर उसके बाद यूकैरियोट था ना, तो प्रोकैरियोटिक बेटा मान लो अगर हम प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक मोस्टली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं ना, है ना, तो अगर हम तो हम देखे मान लो प्रोकैरियोटिक अगर एनारियोबिक कीमोहाइड्रोट्रॉफिक की बात करें, ठीक है, फर्स्ट सेल जो होता है कीमोहाइड्रोट्रॉफिक में मतलब क्या होगा, हाँ इसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है बेटा, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकती हो मान लो मैं 2-3 पॉइंट इसमें डाल के लिखा हूँ, तो आप ऐसे लिख लो इसमें अगर एक एक इसके अंदर हेडिंग है, ठीक है ना, प्रोकैरियोट के अंदर, ठीक, तो एक लिख लो प्रोकैरियोटिक, क्या होता है बेटा एनरियोबिक मतलब, विदाउट ऑक्सीजन, हाँ ठीक, कीमो हाइड्रो ट्रॉफिक मतलब क्या हो जाएगा, कि जो एनर्जी ये ऑप्टेन करते हैं किससे एनर्जी ऑप्टेन करेंगे बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, बस ठीक है, ये ऑप्टेन मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह है वो क्या करते हैं, दे भाई हमारे बॉडी में क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं, तो यस मैम है। मान लो बैक्टीरिया जो है क्या करेगी, सरवाइव करती है ना, किससे सरवाइव करेगी, अपना एनर्जी उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे बॉडी से ही, अदरवाइज जैसे कि वाटर है, हाँ भाई वाटर में बैक्टीरिया होता है कि नहीं, एक मान लो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो कि प्रोकैरियोट अगर हम किसकी बात करें, ये तो एरोबिक की बात किया और हम एनारियोबिक की बात करें, एनारियोबिक यहाँ पे मैंने हेट्रो की बात की है, हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या होता है बेटा, हेटरोट्रॉपिक बोल सकते हैं मैम, क्या है जो मम्मी आपकी क्या दूसरों है, पे हाँ हेटरोट्रॉपिक। यस तो मैम। क्या हो, हम होंगे हेटरोट्रॉपिक मैम, डिपेंड हाँ मम्मी क्या है, डिपेंड ऑटोट्रॉप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक मैटर से ही वो सिंथेसाइज होता है, ठीक है, एग्जांपल आप ले सकते हो आयरन, बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन, तब तो तुम्हारे सर के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि उसको सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करवाना होगा ना, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, यस मैम, इसीलिए बोल रहे थे कि वही ना, वो तो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, इस तरह पता है, इसी हाँ। तरह इस तरह इसीलिए बच्चों से इस तरह ऐसा लेना ही नहीं चाहिए, पहली बार
आप लोग तो फंस चुके, अब भैया आप करवाओ। यस मैम। तो बच्चा करने वाला नहीं है, एक तो उसके पीछे पड़ो, तो भैया तुमको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, ठीक। अगर वो नहीं किया तब तो और आप परेशान, चाहे हम 83,000 है, चाहे 1,00,000 ले ले, चाहे 2,00,000 ले ले, ठीक है, बट अगर बच्चा ही नहीं करेगा तो क्या मतलब है, वही मैम। तो फिर एक तरफ का बिजनेस हो जाएगा ना वो। यार हर एक चीज में बिजनेस है, और कुछ नहीं। और सर बोलते कि वो इंग्लिश में बात करता है, तो सर को मतलब बोलते सर कि मैं ज्यादा से बात भी नहीं कर पाता हूँ, अगर मैं कुछ बात करूंगा तो पता नहीं क्या ही बोल देगा, तो कुछ ज्यादा कुछ बोलता नहीं उसे। बच के ही रहते होंगे। हाँ, कहाँ का है वो, कहाँ का है? बोलते कैलिफोर्निया का मैम। अच्छा, कैलिफोर्निया। उसके पापा कोई यूनिवर्सिटी में मतलब ऐसे प्रोफेसर। क्या फिर यहाँ से फिर पढ़ने का क्या मतलब उसको? वही तो मैम, मेरे को भी समझ नहीं आता। फिर एक बच्चे बोलते कि सर वहाँ फॉरेन में भी नीट होता है क्या, नीट JEE? क्या सर भी हंस रहे थे। नहीं, आपको देखो यहाँ पे क्या है बेटा, आप वहां से तो नीट करने की जरूरत तो नहीं, आपके पास पैसा है तो जाओ 30-40 लाख रुपया आप फूको, ठीक है, आप कहीं से भी फॉरेनर फॉरेन कंट्री से कहीं से भी आप 40-50 लाख फूक के बिना नीट निकाले आप आराम से डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का क्या है कि आपको नीट निकालोगे भाई, अब इंडिया के पेरेंट तो इतना अमीर तो है नहीं, 40-50 लाख रुपये होंगे, कई हैं जो कि अपने बच्चों को बाहर भेज के करवाते हैं। देखो तो ये क्या, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका प्रोकैरियोटिक जो एनएरोबिक कीमोऑटोट्रॉफिक की बात करें, मान लो अमोनिया जो है, हाँ अमोनिया अगर इसमें आपका एनएटू में ब्रेक होता है, एनर्जी जो रिलीज होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिक्स करके ये कौन सा फूड बनाते हैं, ये क्या है, C6H12O6 क्या है बेटा, ग्लूकोज। हाँ ठीक है, ओके। दूसरी बात, अगर ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन से अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो क्या करेंगे, क्लोरोफिल उसमें होता है, ठीक है, इस बैक्टीरिया में डेवलप होगा, तो मान लो इसमें आपका क्या रिएक्शन क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, H2S क्या होगा, सनलाइट पड़ेगा हमारा, ये क्या होता है, आप जब बाथरूम जाते हो हमारे जो पोटी बॉक्स होते हैं उससे यही गैस रिलीज होता है H2S, ये C6H12O6, सल्फर आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ये फूड बना लेगा, कौन सा ये बैक्टीरिया है, नाम ही है इसका सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक या बोल सकती हो फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, वहां भी बारिश हो रहा है क्या? नो no, यार नहीं हो रहा। अच्छा यार यहाँ पर बहुत हो रहा, खत्म होने का नाम है, जून से बारिश हो रहा है यहाँ पे, पता है, बहुत ज्यादा। हाँ बोल रहे हैं लोग नवरात्रि तक हो वैसे, तो मैम वहां बर्फ गिरेगा फिर। नहीं यार बर्फ यहाँ पे गिर जाएगा तो फिर बाहर जाने का क्या मतलब ही है। तो यहाँ पे बोलते हैं पहाड़ी लोग कि ज्यादा बारिश हो तो फिर बर्फ गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो तुम लोग तो देखे ही होगे ना, तुम लोग देखे होगे ना। यस मैम। यहाँ जहाँ हम रहते हैं कॉलोनी में यहाँ नहीं गिरता, जैसे थोड़ा दूर जाओ तो हाँ मिल जाएगा, मिल तो जाएगा ना। एंजॉय क्या चाहिए। यस मैम। चलो आगे इसी में देखो, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक मींस ये तुम्हारा क्या है, ट्रू क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, ठीक है, इसमें लिख लो ट्रू ऑक्सीजेनिक है ना, ट्रू भाई, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्लोरोफिल की जरूरत है कि नहीं? यस मैम। हम सन लेते हैं, सन लेता है, जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ है, फूड अपना बनाता है, ऑटोट्रॉफ मतलब क्या, अपना खाना खुद बनाता है ना, अपना खाना खुद बनाता है, खुद बनाता है, किसी और के ऊपर डिपेंड तो है नहीं,
ठीक है, तो वो क्या करता है, सनलाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, रूट से उसको वाटर मिलता है कि नहीं, तभी ना तुम्हारा सब कुछ बनता है। तो ये सब क्या करता है, क्लोरोफिल ही करेगा ना, क्लोरोफिल उसको ट्रैप करेगा, ठीक है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी डेवलप। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 आ गया, ले ली ना कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना वो लोग और ऑटो छोड़ता है। हाँ, तो ये तुम्हारा सनलाइट यहाँ पर पड़ा, मान लो सनलाइट हो गया। देखो मेनली ये है, लिखती तो तुम इंग्लिश में ही लिखोगे, ठीक है, बट तुमको यही चीज में अगर इंग्लिश में समझाऊं, ठीक, ओके, तो जितना तुम इस तरह तुम अपने लैंग्वेज में, जैसे जिसका जो लैंग्वेज रहेगा वो उस लैंग्वेज में ज्यादा मतलब कंफर्टेबल महसूस करता है। ये क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, करेगा ना, ये फ्री ऑक्सीजन हो जाएगा, ये रिलीज कर देगा, बनाएगा, ये फूड बनाएगा, ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। तो देख रही हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो अपना बना रहा है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को और क्या बोलते हैं बेटा, साइनोबैक्टीरिया, साइनो, हाँ हाँ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक, इसको हम और क्या बोलते हैं, और सुनो ना, साइनो बैक्टीरिया, ठीक, क्या यही आपका क्या है, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स, कब ये सर्च किया गया था, यहाँ पे आप लिख लो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स 1.5 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, बी वाई ए, ओके, ठीक है ना, आगे एक पॉइंट लिखो ये, हाँ, अब हम अगर इसकी बात करें, ऑक्सीजन रिसोर्प्शन में लिखाती हूँ, इसकी अगर बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें, हाँ चलो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर यूकैरियोटिक सेल्स, ये सिर्फ एक पॉइंट में लिख लेना, ठीक है, अलग से मैं हेडिंग लिखवाऊंगी, डी, हमको डी भी पढ़ना है ना, यूकैरियोटिक जो मैंने हेडिंग लिखवाया था, हाँ, तो पहले ये इसी के अंदर ये पहले लिख लो, ऑक्सीजन एक हेडिंग लिख लो, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन, ठीक है, प्रोकैरियोट नहीं पढ़ रहे हम लोग, तो इसका एक पॉइंट लिखो, एटमॉस्फियर, ठीक है, एटमॉस्फियर चेंज फ्रॉम reducing to oxidizing, so chemical evolution stopped, ठीक है, क्या बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होता है बेटा, ठीक है, एटमॉस्फेयर चेंज फ्रॉम रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा केमिकल इवोल्यूशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, हाँ स्टॉप हो जाएगा, तो मतलब आप लिख सकते हो कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होगा, चलता रहेगा, बट केमिकल इवोल्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लो, Now only क्या चलेगा आपका, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बट केमिकल स्टॉप हो जाएगा, गोइंग ऑन, ठीक, सेकेंड पॉइंट बात करें तो फ्री ऑक्सीजन क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा किसके साथ बेटा, मेथेन अमोनिया, ठीक है, और तो, मैंने बताया था ना ये पॉइंट, आपको बताया था ना
कि बाकी सब गैसेस के साथ मिलके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया, नाइट्रोजन, ये सब से मिलके ये सब बनाएगा, ठीक है। तो आप देख सकती हो फ्री ऑक्सीजन कंबाइन करता है, मतलब जाके मिलेगा, कंबाइन करके क्या बने, किससे कंबाइन करेगा, सी एच फोर से मान लो कंबाइन किया, एनएच थ्री से कंबाइन किया, और क्या बना दिया, मान लो ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन बन गया, हाइड्रोजन बन गया, ये सब गैसेस बनेगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, फ्री ऑक्सीजन फॉर्म और क्या बना सकता है, और कुछ बना सकता है बताओ। ओजोन लेयर के बारे में जानती हो, क्या होता है O3. क्या होता है ओजोन लेयर? प्रोटेक्टिव लेयर तो यूवी रेज को आने से रोकता है। O3 बोलते हैं ओजोन लेयर को, O3 बोलते हैं, अराउंड एटमॉस्फेयर, ठीक, अराउंड एटमॉस्फेयर, और किससे प्रोटेक्ट करता है बेटा, ऑलवेज यूवी रे, यूवी, ठीक है, यूवी रे से। सो यूवी अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो हमें क्या होगा, स्किन कैंसर, ठीक, ये सब होने लगेगा, और माउंटेन वगैरह जो क्या है वो जो आइस आइस पोल जो है वो क्या पिघलने लगेगा, समुद्र का पानी बढ़ जाएगा कि नहीं, बाढ़ आ जाएगा, बहुत कुछ, मतलब क्लाइमेटिक बहुत कुछ हो सकता है। ये कुड नॉट enter into earth, ठीक है। आया समझ में? अब हेडिंग डालो, पहले इसका एक हेडिंग, हाँ ये लिख लेते हैं, ऑरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये था ना लास्ट ओरिजिन। अब हम मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। पीरियोडिक वो अभी 12 में पढ़ता है क्या? यस मैम। अरे यार फॉरेन कंट्री वगैरह में तो ज्यादा पढ़ाई का ये नहीं है, बस जॉब करो, मंटू कंट्री है, फाइल कर लो, टेंड कर लो, स्टेबल हो जाओ वहां पर हर एक चीज के लिए। तो ऑर्गेनेल डेवलप, अच्छा वो इंडियन ही है क्या? यस मैम, वो साउथ का है लेकिन उसके पापा पे जॉब कर वैसे वो वहां रहता है। अच्छा, मम्मी भी लॉथम नाम है। हाँ लॉथम नाम है उसका। अच्छा, हमें लगा कि फॉरेन नाम वैसे कुछ होगा, फिर सर ने फिर एक दिन बोले नहीं इंडियन नाम है। गॉड कुछ नाम है बता रहे थे। देखो न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया सब यूकेरियोट में होंगे ना, एंड अदर सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, डेवलप होते हैं इन द सेल, और मेटाबॉलिकली वो क्या होगा, बिकम, मेटाबॉलिकली इट बिकम मोर एक्टिव, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई का बहुत ज्यादा वो है इंडिया में, एक्टिव वहां पर तो भाई एक्सपेरिमेंटली ज्यादा, मतलब उस पर फोकस दिया जाता है। हम लोग के पास तो ज्यादातर हम लोग थ्योरी में भागते हैं। फ्री लिविंग यू कैरियोटिक, हाँ एक इंडिया में भी ऐसा रूल रहा था कि हाँ इतने स्टेज तक पढ़ना है, उसके बाद आपको जॉब मिल गया, आपको अब जॉब में ही आप उसको क्या करो, वो एक्सपीरियंस जो होता जाता है ना, ऐसा कुछ रहता था। तो हमारे इंडिया में इतना गरीबी रहता ही नहीं, सभी लोग वेल एजुकेटेड रहते, सभी लोग एम्प्लॉयड रहते, कोई भी ऐसा मतलब सब सिस्टम ही दूसरा है। अबाउट अभी मैंने लिखवाया था ना 1.5 अभी लिखवाया था ना बिलियन ईयर की बाई ए बी वाई ए
यही पॉइंट लिख रहा था, ठीक है, वो इन प्रिमिटिव इन द ओशियन क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव ओशियन क्या है, मैंने बताया है ऊपर क्या इसको और क्या बोलते हैं, ओशियन को और क्या बोलते हैं बेटा, ये हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप। हाँ ठीक 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 अब लिखो, अब हम लोग पढ़ते हैं ये एविडेंस इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। यस मैम, इसके बारे में मतलब मिलर एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यस मैम, चलो ये देख लेना, ये एविडेंस की बात हो रही है, और ये सब हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं बेटा, ओपेरियन के अंदर, इन फेवर, अलग मत समझना, आएगा ओपेरियन के बारे में पढ़ा लिखने के लिए, तो बायोलॉजिकल केमिकल ये सब आप डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। यस मैम, और एविडेंस भी डिस्क्राइब करोगे, एविडेंस इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल इवोल्यूशन। अब इसमें एक है आपके वही मिलर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, या इसको हैरोल्ड अरे एंड स्टैनले, इनका पूरा नाम है स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, लिख लो ए फर्स्ट, और देखना यार थोड़ा जल्दी वो बंद कर दो, इसमें डालो और अरे अंदर देख लेना, आधी जंगल सो गए क्या, स्टैनले जगह जगह स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, इन्होंने क्या किया था, मेथेन अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशियो लिया था, ठीक है, किया क्या था 1953 में, ठीक है 1953 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक 5 लीटर का ग्लास लिया था फ्लास्क, जिसको कि उन्होंने गैसेस से भर दिया था, किस गैसेस को भर दिया था, मेथेन अमोनिया और हाइड्रोजन को, किस रेशियो में बेटा, 2:1:2, 2:1:2, पहले समझ लो, ठीक है। आता है क्वेश्चन, आता है कि कौन सा मिलर एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा गैस को लिया गया था, सीक्वेंस भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले मैथेन है, फिर अमोनिया, फिर हाइड्रोजन है, और इसका रेशियो जरूर पूछता है, क्या होता है रेशियो, तो आपको पता है 2:1:2 होता है, ठीक है। और ये कितने कितने डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर हुआ था, तो 800 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट याद रखना, और इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी हुआ था, ठीक है, चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब तुम लिख लो पॉइंट, में पहले लिख लो फिर मैं फिगर के थ्रू बता देती हूँ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो पूछता भी ना, इसमें दो मतलब 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड के सोर्स की वजह से एनर्जी डिस्चार्ज हुआ था, ठीक है। तो ऐसे फिगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले लिखवा दे फिर फिगर बनवाए, कि पहले फिगर बनवाए, पहले फिगर मैम लिख ले तो उसके बाद फिगर समझ में आ जाएगा थोड़ा। पॉइंट में आप लिखो कुछ नहीं, बस एक क्लास है उसी में आपको ये गैसेस को बॉइल किया है और क्या, ठीक है। तो मान लो लिख लो इसमें पॉइंट में, इन 1953, ठीक, क्या नाम है, स्टैनले मिलर, ये कौन थे, ये तुम्हारे अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्रिएट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रेशियो वगैरह ज्यादा पूछता है बेटा, रेशियो और कौन कौन सा गैसेस है और किसने किया था और किस सन में किया था, समझ गए ना क्वेश्चन। यस मैम, हाँ, तो साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर
कंडीशन एट लेबोरेटरी, लैब में ही करेगा ना, और कहाँ करेगा? स्केल विच विच वर थॉट टू बी, क्या उन्होंने किस पे किया? ऑन प्रिमिटिव अर्थ पे, ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ, मतलब अब इनके हिसाब से अर्थ का ऐसे मतलब ऐसा सब कुछ हुआ ये गैसेस की वजह से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ही टुक मेथड, यही मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेथड लिया, सीएच लिया, अमोनिया लिया और हाइड्रोजन, यही रहता है, कितने रेशियो में, बार बार में याद रखना, ठीक है ना। और ये सीक्वेंस यही, ये नहीं कि इसको इधर भेज दिए, इसको उधर भेज दिए, इसको उधर भेज दिए, यही सीक्वेंस रहेगा, 2:1:2, यानी कि ये मेथन हो गया, ये अमोनिया हो गया और ये हाइड्रोजन। मान लिया पूछ लिया तुम्हारा अमोनिया के बारे में, पूछ तो तुमको पता होना चाहिए वन है ना कि टू, इतना। एंड वाटर पेपर 10 मिनट में चला जाएगा बेटा, ठीक है, 800 इन लार्ज फ्लास्क, तो अभी जैसे बंद होगा ना वैसे थोड़ा 10 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा बेबी को खाना खिला दो, ठीक है। यस आगे लिखो, ही क्रिएट, फिर इसके बाद क्या किया, मतलब ये ले लिया, फ्लास्क में डाल दिया, अब उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब अप्लाई किया, डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड से, ठीक है। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है क्या होगा, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक, क्या क्या, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, बाय यूजिंग, मेरा भाई सो गया क्या? नो मैम, पढ़ रहा था, कल पेपर है। पेपर है, तब सो जाओ, उसको दिखा के सो। मैं तो सो जाती हूँ तभी भी, मतलब क्या ही बता, लाइट भी ऑफ नहीं करता है, वैसे ही सोना पड़ता है मुझे। हाँ, तो जगह रहता है कि सोया रहता है, परेशान कर जगह होता है, परेशान करे मुझे, बोलो उसको तुमको मैगी वगी बना के खिलाए। बोलो कल एग्जाम में पास होना है तो जाओ मेरे लिए कॉफी बना के ले आओ। बोल रहा है कि, वो भी सुन रहा है ना, तो वो बोल रहा है कि मैम मैगी खत्म हो गया, अब नहीं बन सकता है। बोलो पास्ता बनाए, बर्गर बनाए, पिज्जा बनाए, कुछ भी बनाए। है ना, नहीं तो टॉम जेरी की तरह लड़ो फिर तुम लोग। चलो कोई नहीं, तुम ही बना के दे दो, क्योंकि उसका एग्जाम है ना, उसका एग्जाम हो तो तुम केयर करो, तुम्हारा एग्जाम हो तो वो केयर करे, बस बात खत्म। Yes, ma'am. है ना, मेरे एग्जाम के टाइम वो मुझे चिढ़ा चिढ़ा के सोएगा और क्या। वही तो मैं भी कह रही, सो जाओ, रहने तो कल मैं पढ़ाती तुमको। उसको भी नींद आएगा, मजा आ जाएगा नहीं। हाँ यार, दो लोग में ऐसे पता है क्या होता है, मैं भी जब पढ़ती थी ना और देखें घर में लोग सोए रहेंगे, इतना गुस्सा आएगा यार, सब घोड़ा गधा बेच के सो रहे हैं सब, इधर अब पढ़ना Yes, मैं बहुत गुस्सा आता उस टाइम। कहाँ से जल्दी से एग्जाम खत्म हो, कहाँ से हम भी सोते, ऐसे पॉइंट में आते। एग्जाम के बाद का क्या प्रोसेस है, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब ऑल टाइम दिमाग में चलता रहेगा। हाँ बस ये वो भी एग्जाम टाइम है ना। होता है होता है। तो इन्होंने क्या किया, इतना तो गैसेस को फ्लास्क में डाल दिया, फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या बना इससे, मतलब क्या बनते हुए देखा, ऑब्जर्व किया कि सिंपल सिंपल अमीनो एसिड बना, अमीनो अमीनो एसिड बना, ठीक है, ओके, जैसे कि बोल सकती हो लाइक, क्या क्या बना, अमीनो एसिड बना, लाइक जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन तुम्हारा क्या है, अमीनो एसिड है, एलेलिन क्या है तुम्हारा, अमीनो एसिड है, ठीक है,
एंड एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, ये सब तुम्हारा अमीनो एसिड है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैंने तुमको बताया था स्टॉप कोडॉन के बारे में, तीनों स्टॉप कोडॉन बता दो क्या क्या था। यू क्या था, उल्लू, UAA मतलब उल्लू आ आ हाँ उल्लू आ जा और उल्लू जा आ, हाँ उल्लू ये जी जा और यू जी है ना, ऐसे ही याद करते रहा करना, भूल मत जाना कोई भी चीज। और स्टार्ट कोडन क्या था, स्टार्ट कोडॉन यू ए यू जी और जी यू जी बस ए यू जी याद रखो, आओ जी यू ये था ना। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ए आगे देखते हैं। हाँ तो उन्होंने मतलब ये देखा, तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट कुछ कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या देखा, सुगर बन रहा है, नाइट्रोजन बन रहा है, ठीक है, फैट्स बन रहे हैं, ओके ये भी पॉइंट लिखी लो। इन सिमिलर सिमिलर एक्सपेरिमेंट यही सब ये लोग बनाकर इन्होंने मतलब बोल बोल रहे हैं कि अर्थ का डेवलपमेंट हुआ है ना। ऑब्जर्व अदर साइंटिस्ट की बात हो रही, ठीक है, ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ सुगर, सुगर को बनते देखा, नाइट्रोजन को बनते देखा, नाइट्रोजन बेसिस पिगमेंट एंड फैट्स, ठीक है। चल ये हो गया, अब हम थोड़ा इसका पहले फिगर देखते हैं, ठीक है। तुमको रेशियो याद रखना कौन सा गैसेस है, और ये गैसेस जो है ये 5 लीटर फ्लास्क था, ठीक है, ग्लासेस था जो, आप पॉइंट ये लिख लो क्या था, 5 लीटर लीटर ग्लास था जो कि फिल था, ठीक है, किससे भरा था बेटा, गैसेस से, कौन सा गैसेस, मैंने बता ही दिया आपको, 2:1:2, ठीक है, नाम बताने की है आपको पता ही है। अब उसको स्टिमुलेट करने के लिए उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस पर कितना वोल्टेज दिया था, वोल्टेज दिया था देखो ये मैंने बताया, 2 इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो करवाया था, ठीक है, स्टिमुलेटेड किया था, स्टिमुलेट किया था, लाइटिंग सोर्स था, क्या था, वोल्टेज कितना था, 75,000, ठीक है, वोल्ट था। अब फिगर अगर हम बनाए तो आप ऐसे बना सकते हो, कोई लोगों पे चलो ऐसे ही बस क्या करो, ये बनाओ, तुम अच्छे से बना लेना यार, 2 इलेक्ट्रोड है इधर से, ठीक है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, 2 है, ठीक है, और यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है, दोनों दोनों से स्पार्क, मान लो ये स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे लाइटिंग हो रहा है, ठीक है, स्पार्क डिस्चार्ज, और इसमें क्या है, गैसेस भरा हुआ है, कौन सा गैसेस था बेटा, मैं इधर लिख देती हूँ, कौन सा गैसेस था, CH4 था,